शम चेहरा इस फिल्म से कई लोगों की बड़ी उम्मीदें जुड़ी थी। कहा जा रहा था फिल्म बड़े रिकॉर्ड तोड़ेगी। फिल्म ने रिकॉर्ड तो तोड़े मगर हिट लिस्ट के नहीं बल्कि फ्लॉप लिस्ट के। जी हाँ, 150 करोड़ में बनी ये फिल्म सिर्फ 40 करोड़ की कमाई कर पाई। आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं आखिर फिल्म कहाँ मात खा गई, आखिर इतने बड़े बजट में फिल्म बनी और क्यों फ्लॉप रह गई। आइए जानते हैं। पहला रीजन था फिल्म का ट्रेलर। जी हाँ, फिल्म का ट्रेलर आते ही कॉन्ट्रोवर्सी में गिर गया। 24 जून को फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ। कुछ लोगों ने तो कयास लगाने ही शुरू कर दिए कि ये फिल्म तो पक्का फ्लॉप होगी। वहीं फिल्म को लेकर बॉयकॉट की भी मांग की गई। सेकंड रीजन, फिल्म का गाना। जी हाँ, फिल्म के गाने लोगों को खास पसंद नहीं आए। फिल्म के गाने लोगों के दिल तक नहीं छू पाए। सिनेमा घरों से निकलते ही फिल्म के लिरिक्स बोल कुछ भी लोगों को भाया नहीं। तीसरा रीजन, खुद रणबीर कपूर। जी हाँ, इस फिल्म के फ्लॉप होने के कारण रणबीर कपूर भी हैं। रणबीर कपूर को शुरुआत से ही कूल बॉय लवर बॉय की इमेज में देखा गया है। रणबीर की पहली फिल्म सांवरिया। रणबीर सांवरिया, ये जवानी है दीवानी ऐसी तमाम फिल्मों में लवर बॉय के अंदाज में नजर आए। वहीं 4 साल की बाद वापसी में रणबीर का डाकू वाला लुक लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आया। चौथा रीजन, फिल्म की कहानी। जी हाँ, दर्शकों को फिल्म की कहानी ज्यादा पसंद नहीं आई। कुछ लोगों ने तो फिल्म की कहानी की तुलना KGF 2 बाहुबली जैसी फिल्मों से की। वहीं लोगों का कहना था कि फिल्म की कहानी घिसी पिटी है, कुछ भी फिल्म में नया नहीं है। तो इसमें आपकी क्या राय है जरूर हमें बताएं। अगर आप भी हमारे इस वीडियो से सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इनखबर चैनल को सब्सक्राइब करें।